यार हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल यार। वो करते हैं सब बढ़िया होंगे यार। तो यार हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि यार ये वीडियो किस चीज के बारे में होने वाली है। तो जी हाँ यार, आपने बिल्कुल सही गेस किया। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और कॉन्फिडेंस को एक्सपोनेंशियली ग्रो करवाने के लिए। बट इस वीडियो में एक क्वेश्चन, इन्हीं टिप्स की वजह से मेरे साथ साथ ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर ने भी अपने फेयर को कॉन्कर किया। और वो कौन सा फेयर था? पब्लिक स्पीकिंग का। तो यार बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार उससे पहले वही सेम चीज, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड तक बने रहो। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। इस वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी बुक के बारे में आपको बताऊंगा जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग को उस बुक पढ़ने के इंस्टेंटली मास्टर कर सकते हैं। उस बुक को मैंने भी पढ़ा और इतना बता सकता हूँ कि जिस तरीके से मैं पहले बात करता हूँ और जिस तरीके से मैं अभी बात करता हूँ उसमें अराउंड 60-70% का डिफरेंस है। उस बुक के बारे में एंड में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखो। थैंक यू। यार जो फर्स्ट पॉइंट है ना वो है डोंट गिव अप। तो यार देखो सिंपल है, अगर तुम दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी होने दोगे ना तो तुम नीचे जाओगे। तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर तुम ध्रुव राठी को देखो ना, ध्रुव राठी को क्या, इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स है ना, अगर तुम उनको देखो और उनकी फर्स्ट वीडियो को उनकी लेटेस्ट वीडियो के साथ कंपेयर करो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा। उनकी लेटेस्ट वीडियो क्लोज टू परफेक्शन है और उनकी फर्स्ट वीडियो उसके पास भी नहीं थी। अगर उन यूट्यूबर्स ने स्टार्टिंग में लोगों के रिएक्शंस और ओपिनियंस को अपने सर पे हावी होने दिया होता तो आज शायद हम उनके नाम नहीं जानते होते। तो यार बस सिंपल है, बिना रुके बिना किसी की सुने जो काम कर रहे हो ना उसको करते रहो। दूसरों के ओपिनियंस पे ज्यादा ध्यान मत दो। और मेरे साथ भी ऐसा बड़ी बारी हो चुका है, मेरे को भी काफी ज्यादा लोगों ने बोला यार अभी तेरी वीडियोस इतनी अच्छी बन नहीं रही हैं, तो बाद में आराम से सीखेंगे, बाद में करेंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ यार तू जब पैदा हुआ था तो क्या पैदा होते ही ट्रिग्नोमेट्री आ गई थी? सीखी ना, तो मैं भी सीख रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहा है यार। तो इसलिए सिंपल है, इधर से सुनो इधर से निकालो। तो यार सीखने की बात की है तो सीखने की बात से हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो यार जो दूसरा पॉइंट है ना वो है रिसर्च। शालिन जी रिसर्च? यार आप तो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बता रहे थे, ये रिसर्च पे कहाँ चले गए? अरे भाई सुन लो यार, रिसर्च से मेरा मतलब है यार चीजों को जानो, चीजों को सीखो, चीजों को पढ़ो। क्योंकि अगर तुम्हारी किसी भी टॉपिक में थोड़ी सी भी नॉलेज कम रहेगी ना तो वो तुम्हारे बोलने में जो कॉन्फिडेंस है ना उसको रिफ्लेक्ट करेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अगर मेरे को पता ही नहीं कि इंडिया में कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं और पाकिस्तान की साइड से कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं तो मैं क्या ही बताऊंगा, मैं क्या ही बोलूंगा? तो बोलते वक्त या तो मैं इधर देखूंगा या मैं इधर देखूंगा या मैं ऊपर देखूंगा या मैं नीचे देखूंगा। सीधा देखने के बजाय मैं हर जगह देखूंगा, तो ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डिग्रेड करेगा। तो रिसर्च पे थोड़ा फोकस करो। अगर ध्रुव राठी जी का एग्जाम्पल ले तो उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि उनका रिसर्च और एनालाइजेशन में एक एज था, मतलब वो उनका एक काइंड ऑफ टैलेंट था। और पब्लिक स्पीकिंग को में हार्डवर्क करते करते उन्होंने अपने हार्डवर्क और टैलेंट को जब मिक्स किया तो वो जो आज पर्सनालिटी बन गया है ना वो बनी। तो सिंपल है, रिसर्च पे फोकस करो, चीजों के बारे में जानो और थोड़ा बहुत पब्लिक स्पीकिंग में प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस से हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो यार जो तीसरा पॉइंट है ना वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे बेसिक चीज है और इनफैक्ट बाकी के दो पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बचपन में ही पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी करके नहीं पढ़ा हुआ होता, वो विद टाइम प्रैक्टिस के साथ उस चीज में ग्रो करता है और पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर करता है। ये सेम चीज सिर्फ ध्रुव राठी ने नहीं इंप्लाई की, इस दुनिया में हर एक इंसान जो पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर कर चुका है उसने इंप्लाई की है। पब्लिक स्पीकिंग है किसी भी फील्ड में किसी भी चीज को मास्टर कर चुका है तो विद प्रैक्टिस ही। इसका एक हैक बताऊं, अगर आप चाहते हो कि यार आपकी पब्लिक स्पीकिंग
थोड़ी बढ़े, बट इस प्रोसेस में कोई आपको नोटिस ना करे, तो सबसे बेस्ट चीज है शीशा पकड़ो, उसके सामने खड़े जाओ और अपने आप से दिन के एटलीस्ट 15 से 20 मिनट बातें करो। अपने आप को बोलो यार आई एम प्राउड ऑफ यू, अपने आप को रोज ये चीज बोलो, अपने आप को रोज मोटिवेट करो। और जब आपको लगता है कि आप इस चीज में बेटर हो चुके हो, तो अपनी प्रिपरेशन को, अपने प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए कैमरा पकड़ो, ये फोन पकड़ो, उसका फ्रंट कैमरा ओपन करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, और पूरी वीडियो में एटलीस्ट 1-2 मिनट की पूरी वीडियो में जो फ्रंट कैमरा ना उस पर फोकस करके बात करो, ना इधर देखना है ना इधर देखना है, सिर्फ कैमरे पे, और उस चीज को मास्टर करो। कैमरा सामने वाले इंसान की आंख होगी जिससे आप बात कर रहे होंगे, और आपको उसी पे फोकस करना है। ऐसा करो एक अकेले कमरे में बैठ के करो जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और आपके अंदर जितना भी पोटेंशियल है ना सब निकाल दो, मतलब भुशुम करके निकाल दो और फोड़ो। 1 महीना ऐसा करके देखो और फिर देखो पब्लिक स्पीकिंग क्या, मैं तो कहता हूँ आप उस पोजीशन में पहुंच जाओगे, आप लेक्चर देना स्टार्ट हो जाओगे लोगों को। प्रैक्टिस। तो यार मैं जिस बुक के बारे में बात कर रहा था ना, वो बुक है ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और ये लिखी गई है मिस्टर डेल कार्नेज के द्वारा। अब यार ये बुक इतनी प्यारी है ना कि यार ये बुक आपकी बकेट लिस्ट में होनी चाहिए, मतलब बकेट लिस्ट में। क्यों? क्योंकि इस बुक में इतनी जबरदस्त चीजें बताई गई है ना, जैसे कि आप किस तरीके से लोगों को अप्रोच कर सकते हो, आप किस तरीके से कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बन सकते हो, खाने वाला नहीं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने वाला, आप किस तरीके से नए दोस्त बना सकते हो, किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और ऐसी कई सारी चीजें अगर सब बता दूंगा तो बुक पढ़ने का फायदा क्या होगा। तो यार इस बुक को परचेज करो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस बुक को खरीदो, इतनी गारंटी देता हूँ इसको बुक पढ़ोगे ना तो पब्लिक स्पीकिंग का तो वो तो होगा ही होगा, पर्सनैलिटी में भी जो चेंज आएगा ना खतरनाक। तो यार एंड करते हैं इस वीडियो को, मुझे काफी मजा आया यार आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयर कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ यार कि आप लोग इस चीज को समझो और पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार जो इंडिया का फ्यूचर है ना, जो हम यूथ है वो एटलीस्ट स्किलफुल हो यार इन चीजों को सीखे। कोविड ने तो यार सबकी ऐसी तैसी फेर दी है, हम लोगों से सोशलाइज ही नहीं कर पाए, इंटरेक्ट ही नहीं कर पाए, तो काफी गैप क्रिएट हो चुका है हमारे और लोगों के बीच में। तो उसी गैप को कम करने के लिए मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग एटलीस्ट ट्राई करो, और 1 महीने ट्राई करो और फिर डिफरेंस देखो, और जो डिफरेंस क्रिएट होगा उसके बारे में कमेंट करना जरूर इस वीडियो में। तो यार होप करता हूँ सबका दिन बढ़िया निकले। दिस इज शालिन गुप्ता साइनिंग ऑफ फ्रॉम शालिन जी।